नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वीडियो के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी रोजगार समाचार प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल टेक्निकल मंत्र को सब्सक्राइब करें और तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, दोस्तों छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो कि CSPDCL CSEB की तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ी थोड़ी रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि ये दोस्तों रिक्रूटमेंट जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो पद हैं वो किस किस तरीके से पद है दोस्तों। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के दोस्तों जो कि ग्रेजुएट हैं इन्होंने BE/BTECH किया हुआ है उनके लिए इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई के लिए 43 पोस्ट हैं, सिविल के लिए 3, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 और IT ब्रांच के लिए दोस्तों 1 पोस्ट है। इस प्रकार जिन्होंने डिग्री किया हुआ है BE/BTECH किया हुआ उनके लिए 48 पोस्ट है और साथ में दोस्तों जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ उसमें इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई के लिए 58 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पद, सिविल के लिए 2, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 और IT के लिए 1 पद है। ठीक है, तो ये डिप्लोमा वाले के पास हुआ है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ये नियुक्ति होगी ये आपके अप्रेंटिसशिप के लिए दोस्तों है, 1 साल के लिए हो रही है आपकी नियुक्ति, जिसमें आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो छात्रवृत्ति आपको जो मिलेगी आपको स्टाइपेंड वो आपको इसके लिए लगभग 5000 रुपये मिलेगा आपको BE वालों के लिए और आपको डिप्लोमा वालों के लिए आपको मिलेगा लगभग 4000-3500 रुपये के आसपास मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई, मैंने बताया था कि ये 1 वर्ष के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए है ये आपके लिए आवेदन। ठीक है दोस्तों, अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये दोस्तों आपके परसेंट के मेरिट के हिसाब से दोस्तों बनाया जाएगा। ठीक है, जितने उम्मीदवार का मेरिट बनाया जाएगा आपका परसेंट के बेस के हिसाब से, ठीक है, उसके पचास की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इससे पहले भी कभी अप्रेंटिसशिप कहीं भी संस्था से कर चुका है वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और आपको बता दूँ कि इसके लिए आपको पहले जो आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS के तहत होता है, इसमें जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना आवेदन कर पाएंगे और साथ में आपको इन सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अटेस्ट करने होंगे। ठीक है, अंतिम तिथि की दोस्तों अगर बात कर लें हम कब है उसका अप्लाई करने का, तो दोस्तों 8 नवंबर जो है दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है। इससे पहले आपको आवेदन करना है आपका बाई स्पीड पोस्ट दोस्तों, आपको इस एड्रेस पर आपको भेजना है। ठीक है, यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसका दोस्तों PDF डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।